राशन कार्ड का ट्रांसफर हो रही है और क्या हो रही है? ये किसके हुक्म से हो रहा है? मेरे हुक्म से हो रहा है। बिना नोटिस दिए आप ये मकान खाली नहीं करवा सकते। अरे देखते क्या हो, सामान बाहर निकालो। और मैं भी देखती कैसे मकान खाली करवाते हो। निकलो बाहर, बाहर निकलो, अंदर को चाहे सब निकलो, निकलो बाहर। साले गुंडे, लड़की, ए ए नसीमा, नसीमा। ए बुड्ढे, काहे को गला फाड़ रहा है? बोला ना शाम तक तेरा घर खाली हो जाएगा, चल फट। मुझे अभी इसी वक्त घर खाली चाहिए। तो ये सब तुम करवा रहे थे? घर बसाने वाला घर उजाड़ सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने किसका घर बसाया? सीमा का। जब सब खड़े तमाशा देख रहे थे, तुमने अपनी जान पर खेलकर उस भटका हुआ इंसान आग की भटकी हुई लपटों जैसा होता है। मैडम, इनका कोई रुख कोई दिशा नहीं होती। कभी इन लपटों के आंचल में खाना पकता है, तो कभी इनकी गर्मी से बस्ती की बस्ती जल जाती है। और आज अगर किसी का घर उजड़ जाएगा तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा कसूर है तो हम तो सिर्फ पांच हैं। यहाँ पर सारी बस्ती खड़ी है, बुला लो किसी को भी अपनी मदद के लिए, देखता हूँ कौन आता है। अरे ताकत आजमाने के लिए हम ही रह गए थे, एक मजबूर लड़की, एक बुढ़िया, एक अधमरा लड़का। अरे ताकत का इतना ही गुरूर था तो जाकर अखाड़े में आजमाते, खेल के मैदान में दिखाते, बॉक्सिंग रिंग में जाकर आजमाते, तो तुम्हारी ताकत इस देश का गौरव बनती, किसी मजबूर परिवार का कहर नहीं। देखो जिसने हमें यहाँ भेजा वो बहुत पावर वाला आदमी है, तुम यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ वरना। वरना क्या, क्या कर लोगे तुम, क्या करने का तुम्हारा वो बाप जी? यही ना कि मुझे मजबूर कर देगा कि मैं इस आदमरे को लेकर सड़क पर आ जाऊं, अभी बूढ़ी माँ के हाथ में कटोरा थमा दूं। ये हाथ जो मेहनत करना जानते हैं, इन हाथों से लोगों के सामने अपने कपड़े उतार दो, तब जाकर ठंडी होगी तुम लोगों के बदले की आग। अरे ऐसा क्या किया है मेरे भाई ने? किसी का गला तो नहीं काटा, तुम्हारी तरह किसी को घर से बेघर तो नहीं किया? प्यार किया है उसने, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुमने तो सिर्फ नफरत देखी है। ओ भाई, ये नरसिंह भाई को इतना सुनने की आदत नहीं है क्या? खोपड़ी फिर जाएगी, तलवार देखा है ना, टुकड़े टुकड़े कर डालेगा वो। हाँ हाँ जानती हूँ, जानती हूँ, इसकी ताकत अंधी हो गई है। और जब ताकत अंधी हो जाती है तब वो ताकत नहीं वहशत बन जाती है, जिनसे उसे कुछ लेना देना नहीं, उनके घर उजाड़ सकती है। पहचानती नहीं, जिनका नाम तक नहीं जानती, उनके बीवी बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, उनकी माँ बहनों पर बलात्कार कर सकती है। यही गंदी ताकत इस्तेमाल करके चार चार गुंडे हंसते खेलते परिवार को एक मिनट में इस तरह बर्बाद कर सकते जैसे वो। जाओ, जाओ और अपने ताकत और मालिक से जाकर कह दो कि जीते जी हम इस घर से नहीं जाएंगे, अगर इस घर से जाएंगे तो तीन लाशें जाएंगे, और अगर तुम्हारा मालिक हुक्म देता है ना तो टुकड़े टुकड़े कर देना हमारे अपनी तलवार से, जिसमें तुम्हें बहुत गुरूर है। जाओ, जाओ। शाबाश, आओ 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 मेरे शेर, ये ले तेरा इनाम, ये और ले, ये भी ले, ये सब तेरा है। क्या हुआ, ये काफी नहीं है?
मैं उनको घर से बाहर नहीं निकाल सका बाप जी। क्या तो वो लौंडिया और कल का छोकरा तुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुए? नहीं बाप जी, मेरा जमीर मुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। ये क्या बकवास कर रहा है, होश में तो है? आज पी नहीं क्या? सच सच बता बात क्या है। उनको वहीं रहने दो बाप जी, आपके सामने तो वो कीड़े मकौड़े हैं और कीड़े मकौड़ों पर भी कभी कभी दया कर देनी चाहिए। अरे बेवकूफ, तुझे उनसे हमदर्दी कैसे हो गई? बेघर होने का दर्द आप नहीं समझेंगे बाप जी, मैं समझता हूं। जब आसमान थूकता है और जमीन काली देती है तो समझ में नहीं आता कि इस लाश को लेकर कहां जाएं। कब्रें भी दरवाजे बंद कर लेती हैं। उन्हें रहने दीजिए बाप जी, उन्हें जीने दीजिए। चुप है! मैंने तुझे भेजा था उन्हें शहर से बाहर फेंकने के लिए और तू दो टके का गुंडा मुझे नसीहत कर रहा है? फरियाद कर रहा हूँ बाप जी, वो लड़का जख्मी है, उसकी बहन बेरोजगार और साथ सर पर है, घर छोड़कर वो कहाँ जाएंगे? जान लूं मैं, मगर इस शहर में नहीं रहेंगे वो। शहर उनका भी तो है बाप जी। लेकिन कानून मेरा है, मुद्दतों से इस हवेली का फरमान इस शहर का कानून रहा है। हवेलियों के फरमान अब कानून नहीं होते बाप जी, हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। मेरा फरमान आज भी शहर का कानून है और मेरा फरमान है कि तू अभी जा और जाकर उन्हें शहर से बाहर निकाल दे। आज तक मैंने आपका हर हुक्म माना है, फिर ये सोचे समझे कि वो सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, पाप है या पुण्य, मगर आज तू सोचने लगा है। हर जूती ये सोचती है कि वो पगड़ी बन सकती है, मगर जूती की किस्मत है कि उसे पैरों तले रौंदा जाए और पगड़ी का हक है कि उसे सर पर रखा जाए। जब जूतियां बगावत पर उतराती है ना तो पगड़ियों पर बहुत बेभाव की पड़ती है बाप जी। नमक हराम, तू मुझसे बगावत करेगा तो फिर आज तेरी चमड़ी उधेड़ कर तेरे खून से मुझे अपना नमक निकालना ही पड़ेगा। हराम खोर, नमक हराम। बाप जी, अब मुझे जितना मारना चाहते हैं मारिए, मगर उन्हें छूट दीजिए। परसों पहले ऐसे एक घर तबाह हुआ था और एक नरसिम्हा पैदा हुआ, अगर आप उन्हें भी घर कर देंगे तो एक और नरसिम्हा पैदा होगा। ये तो और भी अच्छा होगा, मुझे तो जरूरत है ऐसे ही नरसिम्हा की जो दो रोटी और एक बोतल शराब के लिए मेरी ड्योढ़ी पर आकर गिड़गिड़ाए। ऐसे आप और कितने नरसिम्हा बनाएंगे बाप जी? अगर जरूरत पड़ी तो इस शहर के एक एक नौजवान को नरसिम्हा बना दूंगा, मगर उनमें से एक भी नरसिम्हा को उसकी जिंदगी का सही मकसद मिल गया तो आपकी हवेली के ईंट से ईंट बच जाएगी। हराम खोर, तुझे बाप जी की ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरे बनाए नरसिम्हा की जिंदगी का मकसद मेरा हुक्म मानने के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरे फरमान पर वो इस शहर में शराब और जुए के चलाएंगे, चुनाव में बूथ कब्जा करेंगे, दंगा करके हजारों घरों को तहस नहस कर डालेंगे, औरतों बच्चों तक को बेरहमी से डालेंगे। मेरे एक इशारे पर वो अपनी जान दे देंगे या दूसरे की जान लेंगे। जो नरसिम्हा ये सब करने से इनकार करेगा मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। बस बाप जी, आपके नमक की गुलामी खत्म, आज से जंग शुरू होती है। और ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं कि एक परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, ये जंग फैसला करेगी कि ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी कि इस शहर के नौजवान आप जैसे बाप जी के हाथों की कठपुतली है या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। मुझे इस शहर के हर नौजवान की कसम, मैं बढ़ जाऊंगा लेकिन एक और नरसिम्हा पैदा होने नहीं दूंगा।